हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका सिविल इंजीनियर फॉर यू के नए वीडियो में। हमारे एक व्यूवर की डिमांड थी, उनके हिसाब से हमने हाउस प्लान बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले 25 फीट बाय 50 फीट हाउस प्लान के डिजाइन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है बेडरूम कहाँ पे है, किचन कहाँ पे, हॉल, सीढ़ी कहाँ पे दिया हुआ है, सब इसमें डिटेल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले तो नक्शा दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नक्शा रहने वाला है नॉर्थ फेसिंग रहने वाला है, जिसकी चौड़ाई देख सकते हैं 25 फीट है और लंबाई 50 फीट है। 25 बाई 50 में हमने हाउस प्लान डिजाइन किया और 2 BHK का हाउस प्लान है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेडरूम, यहाँ पे किचन दिया हुआ है, यहाँ पे हॉल, पूजा रूम, स्टोर रूम, टॉयलेट, बाथरूम हमने सेपरेट दिया हुआ है, जीना अपने बाहर से लिया हुआ है और यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है। चलिए फिर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसा अपने रहने वाला है। बाद में अपन 3D मॉडल में दिखाऊंगा कैसा रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, जो नॉर्थ साइड है हमारा, उस तरफ रोड रहने वाला है और तीनों साइड कवर्ड है, मतलब ईस्ट, वेस्ट और साउथ साइड हमारे अदर प्रॉपर्टी है, इसलिए वेंटिलेशन के लिए हमने खुद के प्लॉट में जगह छोड़ी हुई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट साइड, मतलब जो हमारे वेस्ट साइड दिया हुआ है, उस तरफ हमने 3 फीट की जगह छोड़ी हुई है और बैक साइड मतलब साउथ साइड हमने 3 फीट की जगह छोड़ी है वेंटिलेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गेट आ जाएगा, यहाँ से हमने 2 फीट 4 इंच की जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पे हमारा पूरा कंपाउंड वॉल रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें पार्किंग स्पेस मिल जाता है, जिसे हम पोर्च कहेंगे, जिसकी साइज है 9 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। यहाँ पे हमारा ओटा दिया हुआ है, मतलब पैसेज है, 2-3 स्टेप करके हम इस ओटे पे पहुँच जाएंगे, जिसकी विड्थ है 5 फीट। यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेयर के दी हुई है, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, मतलब यहाँ से हम ऊपर की मंजिल पे ऐसे इस तरह पहुँच जाएंगे। इसका नीचे का एरिया हम एज अ गार्डन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसकी यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी विड्थ आ जाएगी 6 फीट, मतलब एक हमारी स्टेप रहने वाली है जिसकी विड्थ है 3 फीट की। यहाँ पे मेन डोर दिया हुआ है, जिसके हम अंदर जाएंगे तो लिविंग हॉल में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैठक रहने वाला है, मतलब यहाँ पे सिटिंग रहेगा और यहाँ पे हमारा TV यूनिट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 2 विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। जो वेस्ट साइड है, उस तरफ हमने 3 फीट की जगह छोड़ी है वेंटिलेशन के लिए और सामने की तरफ एक विंडो दी हुई है, जिससे भी हमारे लिविंग को वेंटिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से ही हमारा किचन की एंट्री है, जिससे हम अंदर जाएंगे तो किचन में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे किचन की साइज मिल जाएगी 9 फीट बाय 13 फीट 10 इंच। यहाँ पे डाइनिंग अरेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा किचन का पूरा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक विंडो दी हुई है, जिससे हमारे किचन को भी वेंटिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक विंडो दे सकते हैं आप, दोनों तरफ से विंडो दे सकते हैं, जिससे पूरी तरह से हमारे किचन को अच्छे से वेंटिलेशन मिल सके। और किचन के सामने दिया हुआ है पूजा रूम, जिसकी साइज है 4 फीट बाय 5 फीट 10 इंच। और यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर रूम, स्टोर रूम की साइज मिल जाएगी 4 फीट 6 इंच बाय 7 फुट 1 इंच। यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, जिसे इस पैसेज में पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हमारा WC और बाथ मिल जाएगा। जो बाथरूम है, उसकी साइज है 7 फीट बाय 4 फीट। और यहाँ हमारा जो WC दिया हुआ है, उसकी साइज है 3 फीट 6 इंच बाय 3 फीट। यहाँ पे बाथ के सामने हमें मिल जाता है बेडरूम का डोर, जिसकी साइज है 9 फीट बाय 11 फीट 7 इंच। यहाँ पे देख सकते हो वार्डरूम दिया हुआ है, जहाँ पे हमारे अलमारी आ जाएगी। और यहाँ पे बेडरूम के जो बेड है, उसके सामने देख सकते हैं एक विंडो दी हुई है, जिससे बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और एक बेडरूम दिया हुआ है, फिर या इस पैसे से हम इस बेडरूम में जा सकते हैं, जिसकी साइज है 11 फीट बाय 10 फीट। और 2 विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, कॉर्नर की तरफ हमारा इस बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है, यहाँ पे सीट आउट एरिया मिल जाता है, जिसकी साइड है 9 फीट 9 इंच बाय 7 फीट। यहाँ पे 2-3 स्टेप दी हुए, जिससे हम इस नीचे उतर जाएंगे इस एरिया से, मतलब हमारे जो प्लॉट है उसको डबल एंट्री मिल जाती है। फिर यहाँ से हम बेडरूम में भी आ सकते हैं बाहर की तरफ से, और यहाँ से एक मेन डोर दिया हुआ है, जिससे भी जा सकते हैं। अगर फिर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर हमके कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, अभी अपन डिस्कस करेंगे 3D मॉडल के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3D नक्शा इस तरह रहने वाला है। यहाँ पे हमारी पार्किंग स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे 2-3 स्टेप करके इस बरामदे में पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमारी स्टेयरकेस स्टार्ट होती है। स्टेयरकेस से हम ऊपर की मंजिल पे यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और नीचे की फैमिली को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप ऊपर की फ्लोर बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी हाइट दी हुई है, हमने 8 फीट की ली हुई है, क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ सके, रूम का व्यू अच्छे तरह से दिखे। यहाँ पे हमारा ड्राइंग हॉल रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन का डोर दिया हुआ है, जिससे हम किचन में एंट्री करेंगे।
यहाँ पे हमारा डाइनिंग रहेगा, ये पूजा रूम है, स्टोर रूम है। स्टोर रूम के लिए हमें एक डोर दिया हुआ है जिससे हम स्टोर रूम में जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो आगे मिल जाता है हमें WC और बाथ। ये देख सकते हैं WC का डोर दिया हुआ है और बाथरूम का। इस पैसेज में हमें बेडरूम का डोर मिल जाता है जिससे हम इस बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साउथ साइड में जो बेडरूम दिया हुआ है उसको एक और एंट्री दी हुई है बाहर से, और यहाँ पे रहने वाला है हमारा सीट आउट। यहाँ से देख सकते हैं दो स्टेप दी हुई जिससे हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे और बाहर की तरफ चले जाएंगे। आप इसे या तो गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं, डोर के हैं मतलब जो गेस्ट है यहाँ से अंदर आएगा, नहीं तो यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है यहाँ से भी आ सकता है। ओके फ्रेंड, इस हिसाब से हमने बनाया हुआ। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करके हमें बताइए हमें, और कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा।